सदर पाकिस्तान आसिफ अली सरदारी वज़ीर आला हाउस कराची पहुंच गए। सदर मुमलिकत से एमक्यूएम के वफद की खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में मुलाकात। एमक्यूएम के वफद में डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर शरीक हैं। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद इल्शाह, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद हैं। मज़ीद जानते अब्दुल कदीर राना से। अब्दुल कदीर बताएगा, सदर मुमलिकत इस वक्त वज़ीर आला हाउस पहुँच चुके हैं। जी बिल्कुल, वज़ीर आला हाउस में सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी मौजूद हैं और इस हवाले से जो है इस मुलाकात में वज़ीर आला सिंध, वफाकी वज़ीर दाखिला और दीगर जो पुलिस के आईजी सिंध जो वो हैं, डीजी रेंजर्स भी मौजूद हैं और दीगर इदारों के सरबरान भी वहाँ पर मौजूद हैं। सदर आसिफ अली सरदारी से एमक्यूएम के जो है वक्त में मुलाकात की, जिसकी सरबराही खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे थे। एमक्यूएम के वक्त में डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल और दीगर भी जो है वो शरीक थे। वज़ीर आला मुलाकात में वज़ीर आला सिंध से मुराद इल्शाह, वफाकी वज़ीर दाखिला के अलावा दीगर जो अफसरान हैं वहाँ जो है वो ब्रीफिंग दी। एमक्यूएम के वक्त की आसिफ अली सरदारी को जो है वो दोबारा जो सदर बने हैं उस पर जो है मुबारकबाद भी दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने जो है एमक्यूएम के वक्त का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर एमक्यूएम के वक्त ने सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी से कराची में अमन व अमान की जो सूरत हाल है इस पर जो है तफसीली बातचीत की गई है। और इस मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी का कहना था कि सिंध में अमन अमान से मुतालिक आज वज़ीर आला हाउस में इजलास करने आए हैं। अमन अमान की बहाली में तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो साथ लेकर चलेंगे। एमक्यूएम के वक्त में जो है सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी को जो है अपने भरपूर ताबुन का यकीन दिलाया कि वो जो है अमन अमान के क्याम में हर किस्म के ताबुन के लिए एमक्यूएम के साथ खड़ी होगी। जी सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर।